चल यार, अब मरना ही है तो डरना कैसा। मैं भी खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए, अब तो खुश। पांच येड़े एक साथ खड़े। वो तिलस्मी पत्थर किसी भी चीज को छुएगा तो वो जलकर राख हो जाएगी। रोनन जैसे ही उस पत्थर को जमीन पर रखेगा कि धड़ा, सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, नोवा सेना, हर चीज खत्म हो जाएगी। इसलिए रोनन जमीन पर नहीं पहुंचना चाहिए। रॉकेट एक टीम लेकर जाएगा जो रोनन के डार्क एस्टर जहाज में धमाका करके रास्ता बनाएगी, जहाँ से हमारा और योंडू का जहाज अंदर घुसेगा। क्या वहाँ रोनन के शकारण सिपाही नहीं होंगे? शकारण लोग मुझे मोम के पुतले लगते हैं। एक बार रोनन को पता लग जाए कि हम जहाज पर हैं, तो वो अभेद दरवाजों के पीछे छिपने की कोशिश करेगा। इन दरवाजों को मैं बिजली बंद करके नाकाम कर दूंगी और उसी वक्त हम वहाँ पहुँचेंगे और मैं रॉकेट के हेड्रन एनफोर्सर से रोनन को मार दूंगा। रोनन के मरने के बाद हम वो पत्थर हासिल कर लेंगे। उसे इन गोलों में बंद रखना है। अगर उसे गलती से भी छू लिया तो मारे जाओगे। हमें गिरफ्तार करने वाले एक नोवा ऑफिसर से मैं बात करूंगा। उम्मीद है उसे यकीन हो जाएगा कि हम मदद करने आए हैं। इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें एक और चीज चाहिए, उस आदमी की आंख। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उस आदमी की आंख हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, सच में मुझे वो चाहिए, मेरे लिए जरूरी है। रोनन की सेना दिखाई दे रही है और 15 मिनट में वो यहाँ पहुँच जाएगी। याद रखना बच्चे, ये सारा नौटंकी के बाद आप उनको पत्थर मिलना मांगता है। शैंडी लगाने इस बार, तब ठोक देगा तेरे को। मरवाई का ये प्लान तुम्हारा? अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम दोस्तों के साथ मरना चाहती हो।